अब इस दुनिया में नहीं है। अब से एक घंटे बाद पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा। परिवार फिर मुख्तार अंसारी के शव को लेकर पहुंचेगा गाजीपुर, और गाजीपुर में उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा कालीघाट में जो कब्रिस्तान है। परिवार को शव सौंपने की भी पूरी तैयारी है। बांदा से गाजीपुर रवाना होगा मुख्तार का शव। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कब्र वहां पर तैयार की जा रही है, ये जानकारी मिली है। ये अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है कालीघाट में, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद का ये इलाका, और पूरे अगर पूर्वांचल में आप जाइए, एक समय मुख्तार अंसारी का पूरा दबदबा, उसकी तूती बोला करती थी, लेकिन अब जब मुख्तार नहीं है, अब जब मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो प्रशासन हर वो बंदोबस्त कर रहा है जिससे किसी भी वजह से कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब ना हो। ये फिलहाल तस्वीरें आपको कालीघाट की हम आपको दिखा रहे हैं। कालीघाट कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाना है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कालीघाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कालीघाट कब्रिस्तान जो कि अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है, वहीं पर सुपुर्द खाक किया जाएगा और कब्र भी तैयार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए राकेश, सुपुर्दे खाक की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। देर रात में ही जो स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी थे, उन्होंने कब्रिस्तान का एक तरीके से मुआयना किया, और इसके बाद से सुबह से ही जो कब्र है उसको खोदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि देर शाम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास जो उनका शव है वो यहां से पहुंचेगा, और उसके बाद जो शव को सबसे पहले इस बड़का फाटक पर लाया जाएगा। यहां पर जो लोग होंगे वो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, और इसके बाद से की जो शव यात्रा है यानी जनाजा है वो निकाला जाएगा, और यहां से मतलब जो ये फाटक से लेकर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है वहां पर जो उनका जो पैतृक कब्रिस्तान है वहां पर उनको दफन किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है। इस वक्त आप देखिए अंदर तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा जो चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर स्थानीय लोग हो या फिर उनके रिश्तेदार हो या फिर परिजन हो, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और हर किसी को इंतजार इस बात का है कि मुख्तार अंसारी का शव यहां पर कब पहुंचता है। हालांकि लोगों के चेहरे पर गम और गुस्सा दोनों देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी लगातार इस बात को लेकर अंदेशा जता रहे थे कि जेल के अंदर उनकी हत्या हो सकती है, और कुछ वैसा हुआ भी। तो दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि अगर समय रहते उनको उचित इलाज दिया गया होता, उचित इलाज मुहैया कराया गया होता, तो शायद जो ये परिस्थिति है उससे बचा जा सकता था। क्योंकि जिस तरीके से मतलब 2 दिन पहले उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, और उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी तबीयत जो ठीक हुई उसके बाद उनको सीधे। लेकिन आशुतोष, अब ये जांच का विषय है, और मेडिकल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जा चुके हैं डीएम के द्वारा, और इस बात को लेकर तस्वीर साफ होगी कि परिवार के आरोपों में कितना दम है, क्या स्लो पॉइजन दिया गया था, क्योंकि तन्हाई बैरक में जरूर था मुख्तार अंसारी, लेकिन वो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में था, उस पर नजर थी प्रशासन की, किसी को मुख्तार के आसपास, किसी भी अनजान शख्स को मुख्तार के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। देखिए, 2 तस्वीरें हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी, ये घर की तस्वीरें जहां पर आशुतोष जहां से खड़े होकर लाइव दे रहे हैं। ये बड़ा फाटक मुख्तार अंसारी के घर को कहा जाता था, जहां से बैठकर मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में अपना सिक्का चलाया करता था। हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं गाजीपुर के कालीघाट कब्रिस्तान की, मोहम्मदाबाद में जो कि अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है, वहां पर मुख्तार अंसारी को देर शाम तक हो सकता है सुपुर्द खाक कर दिया जाए। मुख्तार अंसारी का परिवार काफी सम्मानित रहा। दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे, उन्हें महावीर चक्र तक से नवाजा गया था। लेकिन आप सोचिए, इस परिवार से आने वाला एक शख्स खुद को ऐसे डिरेल करता है कि वो अपराध की जगत में कदम रखता है, वो बाहुबली बनता है, वो राजनीति में घुसता है, उसका खौफ चारों ओर दिखाई देता है, उसके बाद उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड, पिछले 18 सालों से वो जेल में। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इस बड़ी खबर पर हम नॉनस्टॉप बने हुए हैं।